दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्रुति गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रुति गुप्ता में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि वह सामान्य समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। कई बार उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि छोटे छोटे बदलाव कैसे उनके शरीर में बीमारियों की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या है थायराइड। गर्दन में पाई जाने वाली यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव करती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर यह सही तरीके से काम ना करे तो कई तरह की समस्या हो सकती है। थायराइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते और जब पता चलते हैं तो यह खतरनाक स्तर पर होती है। ऐसे में कुछ संकेतों के द्वारा हम थायराइड्स को पहचान सकते हैं, जैसा कि शरीर में सारा दिन थकान होना, हमारे वजन का तेजी से कम होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहना, गले में सूजन रहना, बालों और त्वचा में बदलाव होना, आंतों में गड़बड़ी होना और मासिक धर्म में अनियमितता, ये संकेत थायराइड की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड होने पर हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। थायराइड के मरीज के लिए मशरूम अच्छे आहारों में से एक है। इसमें सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है, जो थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। नट्स, वैसे तो नट्स का सेवन सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन थायराइड के मरीज को नट्स अपनी डाइट में खास तौर पर शामिल करने चाहिए। नट्स थायराइड से होने वाले हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत कम कर देता है। बादाम और अखरोट इस बीमारी के लिए सबसे अच्छे आहार है। अखरोट को थायराइड का सफाया करने के लिए काफ़ी फायदेमंद कहा जाता है। साथ ही सी फूड के अलावा काले अखरोट को आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य और कामकाज को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दही, थायराइड के रोगी के लिए दही सबसे बेहतर आहार माना जाता है। दही खाने से शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, जिससे थायराइड कंट्रोल रहता है और काफ़ी हद तक सही हो जाता है। मेथी, मेथी हमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। थायराइड नमक बीमारी के लिए भी मेथी अच्छा आहार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करने में सहायक होता है। अलसी है रामबाण। थायराइड नामक रोग से निजात पाने के लिए अलसी रामबाण नुस्खा है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह इसे थायराइड ग्रंथि के सही तरीके से काम करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। गेहूं प्रकृति की अनमोल देन है। इसमें अनेक औषधि और रोग निवारक गुण पाए जाते हैं। गेहूं रक्त व रक्त संचार संबंधी रोगों, रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप, सर्दी, जुकाम, साइनस, पाचन संबंधी रोग और थायराइड ग्रंथि के रोग में काम आता है। दोस्तों, हमने ये जान लिया कि थायराइड में किन चीज़ों का सेवन करना अच्छा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि थायराइड में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक शुगर वाले आहार, हाइपरथायरॉइडिज्म से ग्रस्त लोगों को गन्ना, टेक्सटोस, हाई फूड्स, कॉर्न सिरप आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें मौजूद कैलोरी और शुगर से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अधिक नमक वाले आहार, नमक से थायराइड ग्रंथि ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हाइपरथायराइड से ग्रस्त लोगों को ज़्यादा नमक का खाना नज़रअंदाज करना चाहिए। शुद्ध दूध, दोस्तों थायराइड के रोगी को शुद्ध दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। मलाई या क्रीम निकाला हुआ दूध लें, जो कि पाचन में आसान और स्वास्थ्यकर हो। कैफीन, इसे भी नज़रअंदाज करना चाहिए, जिससे थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा होता है। यदि आप पहले से ही हाइपरथायरॉइडिज्म से पीड़ित हैं तो आपको कॉफ़ी, शुगर और अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप पानी और फ्रूट जूस ले सकते हैं। रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल और वसा की अधिकता होती है, इसलिए थायराइड में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको दिल की बीमारी और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। इसकी मात्रा कम करने से हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण भी कम होते हैं। डेयरी उत्पाद का सेवन भी थायराइड्स के रोगों को नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को लैक्टोज सहन नहीं होता है और दूध जैसे उत्पाद पचाने में समस्या होती है। यदि आपको दूध उत्पाद जैसे मक्खन, आइसक्रीम, दही आदि से अपच, सूजन, थकान आदि होती है तो इनसे परहेज करें। दोस्तों, थायराइड एक आम समस्या है। इसको सही खान पान और डॉक्टर की सही सलाह से
ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ ऐसे ही कोई नया टॉपिक में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।